ओके सो वी आर रेडी टू गो. अभी बज रहा है 8:18. ये एक बैग लेके जा रहा हूँ और ये एक बैग है. मेरा फर्स्ट टाइम है बस में. मुझे पता नहीं कैसे क्या कैसे रहेगा जर्नी. होप फॉर द बेस्ट बट लेट्स सी. दिस इज द मड़ी वाला बस स्टॉप और इधर ही मेरे ख्याल से बस आएगी बट मैं बहुत जल्दी आया हूँ. 9 बस का टाइमिंग 10 बजे का है तो मेरे को एक घंटा रुकना है अभी इधर. मेरे को लगा नहीं था इतना जल्दी आएगा. बहुत जल्दी लेके आया रिक्शा वाला. उधर जाना है. ये भी बस स्टॉप है बट मेरे को उससे उधर जाना है. भारत पेट्रोल बहुत ही अच्छा है. बारिश बिल्कुल भी नहीं गिर रहा रात को. सो दैट इज़ अ गुड साइन. अदरवाइज वेदर बहुत ज़्यादा खराब रहता है बैंगलोर में. और अभी पास्ट वीक से बहुत ज़्यादा बारिश गिरा था और अभी पूरा क्लियर हो गया. वैसे यहाँ से बस इस साइड से आएगा और वो उधर रुकेगा जाके और फिर उधर से सीधा चेन्नई. हिंदी समझ में नहीं आता. इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तब रिक्शा वालों से काइंड ऑफ इंग्लिश में बात करना पड़ रहा है तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है. जैसे की वर्ड्स में बात करना पड़ता है. ओके सर फाइनली रीच्ड होटल में. अभी आ गया हूँ मैं. तुम लोग को एक छोटा सा रूम टूर देता फटाक से और फिर हम लोग. वैसे अभी बज रहा है 7:00. वैसे ये रूम है 101. सो दिस इज अ लिविंग एरिया. ये काइंड ऑफ एक स्वीट है और मेरे को बहुत अच्छे डिस्काउंट अच्छे डील में मिला तो उसके लिए मैंने ले लिया ये. तो ये लिविंग एरिया है. सो वी हैव ओवन वी हैव फ्रिज एंड वी जस्ट हैव टू स्लाइड दिस एंड वी हैव बेडरूम. सो दिस इज द बेडरूम. वी हैव टीवी वी हैव एसी वी हैव वार्डरोब नाइस. वी हैव बाथरूम विच इज काइंड ऑफ बिग इनफ गुड एंड देन वी हैव टेबल फैन ऑल्सो. आई डोंट नो व्हाई. This opens, which is nice. It doesn't have a good view. We have a balcony. Wow. ये होटल प्लस स्पा है तो इसके लिए थोड़ा रिजॉर्ट टाइप बनाया गया. वैसे रूम सब फुल हो गया जब मैं आया इधर. अच्छा वो मैंने बुकिंग करके रखा था पहले. अभी अमन को बोलना पड़ेगा फुटबॉल लेके इधर फुटबॉल खेलते. बट ये बुल बहुत भारी है यार. बीच में ही बुल है एकदम. मैं अभी इधर इलारा होटल एंड स्पा करके एक है ये मतलब इसका इधर रह रहा हूँ मैं. लाइक इट्स प्रिटी गुड फॉर द कॉस्ट आई एम पेइंग. जो बीच है वो उस साइड है तो ये बिल्डिंग्स जो दिख रहे हैं उसके पीछे बीच है. सो इट्स वेरी क्लोज बाय. बीच भी क्लोज बाय और बहुत सारे इधर रेस्टोरेंट्स भी है और टेक पार्क भी है इधर. पता नहीं क्या है इधर. तो स्कूटी रेंट पे लेना है अभी किसी भी हालत में. फटाफट तो वो चेक करना है मुझे कि स्कूटी किधर मिलेगा और फिर मुझे प्लान करना है कि आज किधर घूमना है और कल किधर घूमना है क्योंकि आज और कल का दिन है मेरे पास. फिर कल मेरे को शाम को निकलना पड़ेगा इधर से. अगर मैं जस्ट अभी सो के उठा पता नहीं इतना नींद क्यों आ गया. मैं बस में वैसे सोया था पर तो भी बहुत ज़्यादा नींद आ गया इधर. और अभी उठने के बाद देखा तो 10 बज गया और ब्रेकफास्ट सिर्फ 10 बजे तक ही रहता है तो अभी तो मेरे को मिलने वाला फ्री वाला ब्रेकफास्ट. गर्मी तो अभी है लग रही है. अभी सुबह सुबह इतना गर्म नहीं लग रहा था. ये रेस्टोरेंट इसका है होटल का और इधर बूफे लगा हुआ था.
बट मैं लेट हूँ, अभी बज रहा है 11, एक घंटे पहले बंद हो गया रहेगा, यानी बाहर के रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ेगा। लुक्स नाइस। सो अभी साइकिल का स्टैंड यहाँ से मेरे यहाँ से 2.7 किलोमीटर दिखा रहा है, जो 35 मिनट्स दिखा रहा है पहुँचने के लिए बाय वॉकिंग। तो अभी उतना चलना पड़ेगा, और ऊपर से मतलब इधर थोड़ा ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो पसीना आ रहा है धीरे धीरे। इतना गर्म नहीं है बट ह्यूमिडिटी है। तो ये बाइक अनलॉक की है, इसमें चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है, ये सिंपल बाइक है, इसमें इलेक्ट्रिक नहीं है कुछ। सो पेट्रोल खत्म हो गया क्या? भाई पीछे से धुआं निकल रहा है। अरे कैसा है क्या? नहीं नहीं है, थोड़ा भी नहीं, वो रिजर्व पे ही चला रहा था तू शायद से। ओके सो बाइक अभी चलाते चलाते पेट्रोल पंप आ गया उधर, एक किलोमीटर तो चलाया रहेगा ऐसे ही लेके हाथ में बाइक, एकदम फुटबॉल लेके आया। अरे इधर सामने ही ग्राउंड है, वो दिख रहा है क्या? मस्त रहा, और उधर बालकनी भी है नहीं, इधर कुछ व्यू नहीं है। ये फर्स्ट होटल है जहाँ पे मतलब वेटर्स ने कपड़े पहनना चालू किया था फॉर्मली, और ऊपर से इधर किधर तो दिख रहा है कि वो चिकन 65 नाम जो पड़ा है वो इधर पहले ये होटल में चालू। ओह नाइस। ये एक बुहारी होटल में आए हम लोग, सिंस 1951। हाँ चिकन 65 स्टार्टर जो है 290 रुपीज़ का है। तो ये चिकन 65 है। मरीना बीच जा रहे हैं हम लोग रात को, मतलब इतना पता नहीं उधर लाइटिंग रहेगा कि नहीं, बट ये बोल रहा है कि लाइटिंग रहता है उधर, सनसेट या सनराइज अच्छे से दिखेगा, नहीं पानी भी अच्छे से दिखेगा कि नहीं पता नहीं, मतलब जो भी है, बट अभी टाइम ज़्यादा था नहीं हम लोग का, उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं। ओके सर फाइनली बीच पे आ चुके हैं हम लोग। कितना क्या लाइटिंग लगा, कितना दूर है बीच है? हाँ क्या, वो बहुत दूर है, और वो उधर एंड होता है, उधर से पानी, अच्छा और दूर है क्या उधर से? किधर तक जा रहा है वो भाई, जल जाएगा। हियर हियर सही होने वाला तो हजार डायरेक्ट अभी होटल पे। किस्मत ही खराब है क्या?